पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद जवान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्ते चलते हैं। तारीखी इज्तमा होगा लॉन्ग मार्च का, और इस बीमारी के हालत में और जख्मी लात के, और अभी डॉक्टर्स उनको देख कर गए हैं, इसके बावजूद कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अभी आप सफ़र ना करें, वो 26 तारीख को रावलपिंडी में पहुँचेंगे और सारा पाकिस्तान रावलपिंडी में होगा। और हमारा मकसद, हमारा मुतालबा एक ही है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, ये नहीं कि एक लंबी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दी जाए। और हमारा मुतालबा है कि जो ज्यादतियाँ हुई हैं अरशद शरीफ शहीद के साथ, स्वाति साहब के साथ और शबाज के साथ, तमाम लोगों की और इमरान खान की FIR, ये सारे वो केसेस हैं कि जिस पर कानून का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कानून के चेहरे पर लोग हंस रहे हैं कि इस मुल्क में कैसा कानून है। इमरान खान एक वाज़े लाइन दे चुके हैं कि तैनाती से उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको मर्जी लगा लें, मेरिट पे लगाएं। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर को हम होस्ट हैं, सारा पाकिस्तान इमरान खान का होस्ट है, और रावलपिंडी में तमाम लोगों को दावत दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। और इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, पहले भी इमरान खान को मारने की साजिश थी, पहले भी ये कोशिश की।